हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स ये है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट थ्री, वीडियो पार्ट थ्री। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, के ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन की मेरिट्स और इट्स लिमिटेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर मोड के बारे में इंट्रोडक्शन और मोड अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं वो आज के वीडियो में जानेंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं। सो ये है हमारा पहला टॉपिक, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा की फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू कैपिटल एल प्लस एन ओवर टू माइनस पी सी एफ इंटू आई अपॉन एफ। और धीमे धीमे ये सब समझ लेंगे सब टर्म्स क्या है। कैपिटल एल का मीनिंग है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है वो हम एग्जांपल में समझ लेंगे। पी सी एफ जो है वो प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू द मीडियन क्लास, एफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, आई जो हमारा क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। तो आप देख रहे हैं कि सारे में मीडियन क्लास जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। तो पहले जो भी एग्जांपल करेंगे उसमें सबसे पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। फिर मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे तो हमको लोअर लिमिट भी मिल जाएगा मीडियन क्लास का, प्रेसिडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा ऑफ द मीडियन क्लास एंड द क्लास इंटरवल, वो तो सेम ही रहेगा। तो ये एग्जांपल जिससे हम ये मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे करते हैं समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में क्या है कि 1500 वर्कर्स आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, देयर एज इज क्लासिफाइड एज फॉलोस। 1500 मजदूर काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और उसकी एज हमको ऐसे दिखाई गई है 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30 और ऐसे हमारे 58 तक ये एज जा रहा है। और उसके रिलेटेड हमको नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि भाई 18 से 22 साल के बीच में वो कितने वर्कर्स है, कितने अपने कितने सारे वर्कर्स हैं, मतलब 120 वर्कर्स जिनकी उम्र 18 से 22 है, फिर 22 से 26 ऐसे सबको हमको फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करना मतलब ऐड करना। अब एग्जांपल समझ जाएंगे तो पहले हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बाजू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टैब बनाना है और जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे के एज इट इज़ लिख लेनी है। फिर क्या करना है कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके प्लस ये कर लेना, मतलब 120 प्लस 125 तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा 1245। और फिर क्या करना है कि 245 प्लस 280 तो हमको मिल जाएगा 525, तो 525 प्लस 260 785। तो ऐसे हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐसे ऐड करते जाएंगे ऐसे, ये नहीं ऐसा होगा सॉरी, ऐसे ऐसे हम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाएंगे और फिर हमारा लास्ट में आंसर जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब आप जब ये प्लस करेंगे तो आपको 1500 मिलेगा और यहाँ पे भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जब फाइंड करेंगे लास्ट में 1500 आना चाहिए, मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है टोटल वो मैच हो जाना चाहिए। तो ऐसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्रॉस में हम ऐड करके लिख लेते हैं। ओके, अब ये हो जाए इतना फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप जब टेबल बना ले तब आप पहले क्या करें, क्योंकि आपने देखा कि फॉर्मूला मीडियन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। तो मीडियन क्लास की फॉर्मूला है साइज ऑफ द एन बाय 12th ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमारी फ्रीक्वेंसी हो उसको 2 से डिवाइड करके वो उसका जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन क्लास, उसके रिलेटेड जो होगा क्लास वो मीडियन क्लास कहलाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे साइज है 1500 डिवाइड बाय 2 मतलब 750, तो 758th ऑब्जर्वेशन, तो 758th ऑब्जर्वेशन। तो इसको ढूंढने के लिए ये जितना भी हमारे यहाँ पे नंबर आ रहा है इसके लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल चेक करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ये देखना है कि 750 के करीब कौन सी वैल्यू है। तो 120 तो है ही नहीं, 245 भी नहीं, 525, 785 जो है वो 750 के बहुत करीब है, 750 के बहुत करीब है। फिर 940 हो रहा है तो इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी 750 जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है एन बाय टू करके और जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में चेक करना है और देखना है कि उसके करीब में करीब वैल्यू कौन सी है, जो भी हो उसकी करीब में करीब वैल्यू हो उसके रिलेटेड जो हमारा क्लास हो वो मीडियन क्लास बन जाएगा। हमारे उसके रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है 260 और हमारा क्लास है 30 to 40 और उसके पहली की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है पी सी एफ ये होगा प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास है 30 to 34 तो हमारा 525 क्या होगा प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमको ये चाहिए। फिर हमारे इसमें जो है साइज है आई साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो क्या है 34 - 30 = 4, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वो है 30 और हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो है 260 और हमारा प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 525। तो ये सारी चीज़ हमको चाहिए और हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे लिखा भी है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 30, प्रिसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है आपने 525 लिखा ही मैंने, फ्रीक्वेंसी उस मीडियन क्लास के रिलेटेड 260 है और आई जो हमारा 4 है। तो बस अभी कुछ नहीं करना है, वो फॉर्मूला जो हमारे हैं मीडियन के एल प्लस एन बाई टू माइनस पी सी एफ अपॉन एफ इंटू आई सारी वैल्यूज लिख दो
लोअर लिमिट 30, एन बाई टू 750 हमने अभी फाइन किया, फिर से निकमिलेटेड फ्रीक्वेंसी 525, फ्रीक्वेंसी 260 इंटू 4, 30 अपॉन इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.46 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 33.46, तो ये हमारा होगा मीडियन। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे एग्जाम्पल से मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे फाइंड करना है समझ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना और फिर एन बाई टू साइज ऑफ द एंथ अपॉन टू ऑब्जर्वेशन और उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना, उसकी करीब में करीब वैल्यू मीडियन क्लास फाइंड करना, एक बार वो फाइंड कर लिया तो सारी वैल्यूज उससे आपको मिल जाएगी। अब फटाफट इसके मेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं मीडियन का। तो द मीडियन इज सुपीरियर टू द एरिथमेटिक मीन इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स में एरिथमेटिक मीन से ये मीडियन जो है सुपीरियर मीन माना जाता है, सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फॉर एग्जाम्पल इट इज स्पेशली यूज इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो नॉट इन्फ्लुएंस बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो हमारे एरिथमेटिक मीन का आपने पहले वाला वीडियो देखा उसमें मैंने उसकी लिमिटेशंस बोली थी कि एरिथमेटिक मीन की लिमिटेशन क्या है, कि अगर जब उस वैल्यूज में उसके जो टेबल है उसमें अगर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो तो उसके लिए उसका जो मीन आएगा वो बहुत ही गलत आएगा। अगर आपको चेक करना है तो प्लीज़ आप पार्ट टू वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने बात की थी। तो मीडियन में क्या होगा कि ये मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ओके, इनफैक्ट व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द डेटा द मीडियन इज मोर सैटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन द मीन। कि जब एक्सट्रीम वैल्यूज कोई डेटा में प्रेजेंट हो तो मीन्स अच्छा क्या है, मीडियन ही होगा, मोर सेटिस्फैक्टरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन द मीन, जब एक्सट्रीम वैल्यूज डेटा में प्रेजेंट हो। और लिमिटेशन बात करते हैं, सिंस मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, मीडियन क्या है, पोजिशनल एवरेज, मीडियन जो भी होगा उसके पहले वाले हाफ डेटा उससे छोटे होंगे, उसके बाद वाले हाफ डेटा उससे बड़े होंगे, तो पोजिशनल एवरेज है, वो बीच में आता है। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय ईच एंड एवरी, नॉट डिटरमाइन यहाँ पे आएगा, नॉट डिटरमाइन बाय ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, मीडियन की जो वैल्यू है वो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन नहीं होती, या नॉट लगाना मैं भूल गया था। मीडियन इज लेस रिलायबल एवरेज देन दैट ऑफ मीन फॉर एस्टिमेशन पर्पज, आप जब कुछ आपको एस्टिमेट करना हो, कुछ भी एस्टिमेट करना हो, तो उसमें आप मीडियन जो है उसको लेस रिलायबल एवरेज मानेंगे। कुछ भी आपको एस्टिमेट पर्पज कुछ भी एस्टिमेट करना हो तो उसमें मीडियन लेस रिलायबल होगा। द मीडियन टेंड्स टू बी रेदर अनस्टेबल इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शो, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है उसकी क्वांटिटी, तो मीडियन जो है वो अनस्टेबल माना जाता है। ओके, तो ये है उसकी लिमिटेशंस। ओके, अब हम मोड पे आते हैं। चलो, तो मोड क्या है, मोड इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मोड क्या है कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो, दैट इज हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब उसका रिपीटेशन ज़्यादा होना, ये लिखा ही है, मैक्सिमम अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस और हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ एक ही बात होगी। ग्राफिकली इट इज़ द वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस बिलो द पीक और हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो हम मीडियन बोलेंगे, अगर ग्राफिकली बात करें तो। ऑन द एक्स एक्सिस बिलो द पीक और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व में जब बनाऊंगा तो उसकी जो पीक होगी उसके नीचे जो वैल्यू आ गई है हमारा मोड कहलाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे वो हमारा मोड कहलाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग फिगर्स लेड टू द प्रेफरेंसेस विद रिगार्ड टू साइज ऑफ स्क्रीन इन इंचीज ऑफ LED सेट्स ऑफ 30% सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लोकेलिटी, कोई एक लोकेलिटी में कोई एक गली में देखा कि 30% सिलेक्ट किए और उसकी LED की स्क्रीन साइज की प्रेफरेंसेस चेक किए कि उसको कौन सी LED TV की साइज कौन सा इंच में है, इन इंचेस पसंद है। हम भी वही सोचते हैं कि मुझे 42 इंच चाहिए, 40 इंच चाहिए, मुझे 55 इंच चाहिए, तो घर के हिसाब से और सबकी अपनी अपनी एक प्रेफरेंस रहती है, तो उसका एक टेबल है यहाँ पे। तो किसी को 24 इंच पसंद है, 40, 42, 55, 42, ऐसा सारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये 30% का 30% जो जिससे हमने पूछा है उसका ये डेटा है। हमको बताना है कि इस डेटा का मोड क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है जो रिपीट हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो कौन से इंचिस के पे सबकी इज्तिमा मतलब सबका कलर माइंड मिल रहा है कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये सबके प्रेफरेंसेस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो ये जब डेटा मैंने लिख लिया, अब डेटा ने जब मैं इसको फॉलो करना शुरू किया तो मुझे पता था कि 24 इंच के LEDs के रिलेटेड 5% ने गवाही दी, मतलब उसको प्रेफरेंसेस है, फिर 40 इंच में 8,
42 इंच में 13 और 55 इंच में 4। चार पर्सन जो थे 30 में से उनने बोला कि मुझे 55 इंच LEDs पसंद है। ओके, अब ऐसे आपको फाइंड करने में बहुत तकलीफ होगी। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम पता है कि हमको एक टैली बार्स करके या टैली मार्क्स करके सिखाया है, तो उसका हम यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले साइज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे जो जो साइज़ अवेलेबल है, तो 24 इंच, 40, 42 इंच, 55 इंच। और फिर क्या करेंगे, डेटा को फॉलो करना शुरू कर देंगे। मतलब पहला 24, तो यहाँ पे एक टैली बार बनाएंगे। फिर हमारा 40, तो 40 के बाजू में एक टैली बार बनाएंगे। फिर 42 तो 42 के बाजू में एक टैली बार बनाएंगे। फिर ऐसे हम पूरा डेटा फॉलो करेंगे, फिर ऐसा टैली बार्स बनाते रहेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, फिर 5 ऐसे बनाते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 55 में तो 4 ही है। फिर अगर 5 से ज़्यादा तो फिर से नया शुरू कर देंगे और फिर ऐसा बना देंगे। तो आपको पता है कि टैली बार्स कैसे बनाने हैं। ओके, टैली बार्स बना के भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते, इससे थोड़ा काम ईजी हो जाता है और कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है, 42 इंच पे 13% अपनी प्रेफरेंसेस बता रहे हैं कि 13% जो है वो 42 इंच पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हो रहा है, 42 इंच साइज रिपीट हो रहा है। तो मोड और मॉडल साइज ऑफ LED स्क्रीन्स इज 42, तो ये होगा हमारा मोड 42 इंच, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जांपल। इसके बाद में हम मोड ऑफ अनग्रुप ग्रुप डाटा के बारे में भी देखेंगे, और हो सकेगा तो मैं क्वार्टाइज डेसाइज और परसेंटाइज पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।